नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। मैं आपके साथ संजू सिंह। मौसम विभाग का अल्टीमेटम, अगले 48 घंटे में बढ़ सकता है उत्तर भारत में गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने सभी जिलाधिकारी सहित राहत आयुक्त समेत कई विभागों को अलर्ट जारी किया। यूपी के बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, कौशाम्बी, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, मिर्जापुर, बालिया, देवरिया, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच समेत दो दर्जन से अधिक जिलों में गर्म हवा और लू का भीषण प्रकोप रहने की संभावना। वहीं अगली खबर भी यूपी से है। छठे चरण के प्रचार के आखिरी दिन सिद्धार्थनगर जिले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जमकर गर्जी। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रियंका गांधी ने किसानों, नौजवानों, छात्रों, महिला की समस्या को गिनाया। वहीं भाजपा के 5 साल के कार्यकाल, उनकी करनी कथनी को लेकर खूब खिंचाई की। अपने पूरे भाषण में प्रियंका गांधी ने कहीं भी गठबंधन का नाम नहीं लिया। भाजपा को जमकर कोसा, साथ ही कांग्रेस सरकार आने पर कई वादे पूरे करने की बात कही। और आप बुद्ध भगवान की धरती के हैं, ये पवित्र भूमि है। बुद्ध भगवान का जो प्रवचन था वो प्रेम, अहिंसा और अहंकार को तोड़ने का था। आज देश में एक अहंकारी सरकार है जो क्रोध, नफरत और नकारात्मकता फैलाती है। जब आपके सामने प्रचार के लिए आते हैं तो जानबूझकर आपकी समस्याओं के बारे में बात नहीं करते, बड़े बड़े ऐलान करते हैं या फिर अतीत की बात करते हैं या फिर फिजूल की बातें उठाते हैं, दूसरे देशों की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, जबकि ये पूरी दुनिया में भ्रमण कराए। हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान में बिरयानी खा के आए, अमरीका गए, जापान में ढोल बजा के आए, अफ्रीका गए, यूरोप गए, लेकिन अपने ही संसदीय क्षेत्र में एक भी गांव के अंदर एक भी गरीब परिवार या किसान से अपना हालचाल पूछने के लिए 5 सालों में एक भी बार नहीं गए। वहीं अगली खबर भी जिले के बैलोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली की। बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बा पाल के समर्थन में आए मुख्यमंत्री ने प्रदेश व केंद्र सरकार के तमाम योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से देश के कई हिस्सों में वह घूम चुके हैं। लोगों के जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है, अब की बार मोदी सरकार। वहीं उन्होंने कहा कि 5 चरणों के संपन्न चुनाव में विपक्ष बौखला गया है, अब लोग गाली गलौज पर उतर आए हैं। लोकसभा का चुनाव 5 चरणों का संपन्न हो चुका है और छठे चरण में आप सबको लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागी बनते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर विगत 2-2.5 महीनों के दौरान मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और पूरे देश के अंदर केवल एक ही नारा गूंज रहा है। हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक महिला, हर एक पुरुष, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, चारों ओर एक ही बात कह रहा है और वह नारा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। 5 चरणों के चुनाव के बाद कांग्रेस, सपा, बसपा के गठबंधन में, अन्य विपक्षियों की गठबंधन में जो खलबली मची है, एक खलबली इस बात को प्रदर्शित करती है कि वे लोग अपनी हार सुनिश्चित मानते हुए अब गाली गलौज पर उतर आए हैं और यही हार उनकी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेके असर तक।